नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों काफ़ी सारा भाई मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर अभी के सिचुएशन में दुबई जाके विजिट में वहाँ पे जॉब मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, क्या कितना पॉसिबिलिटी है वहाँ पे जॉब मिलना अभी के टाइम पे। एंड और एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम आता है, क्या सर अभी दुबई में विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को कन्वर्ट वहाँ पर हो सकता है या हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ ओपिनियंस में, पर्सनल ओपिनियन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं बादल स्वागत करता हूँ कनिष्क आचार्य चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कितना पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से विजिट में दुबई जाएंगे और वहाँ पे आपको जॉब मिले। तो जॉब मिलने का चांसेस कितना है या कितना पॉसिबिलिटी है अभी दुबई में। तो दोस्तों मैं आपके साथ मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि दोस्तों देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अभी के टाइम पे आप दुबई विजिट में जाएँ, वहाँ पे जाकर जॉब सर्च करें और अपनी वीज़ा को, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को कन्वर्ट कराएं, तो ये तो अपर से पास हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, हम लास्ट में उसको जानेंगे। पहले जानते हैं जॉब की चांसेस या जॉब की पॉसिबिलिटी अभी दुबई में क्या है। तो दोस्तों देखिए, आपकी अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं अभी, तो फुली डिपेंड करता है आपकी जॉब किस रिलेटेड का जॉब है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल तौर से बताने वाला हूँ। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, चाहे आप कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है, सिविल सुपरवाइजर है, या आप MEP सुपरवाइजर है, या उसी रिलेटेड होता है, आप इलेक्ट्रिशियन से, प्लम्बर से, मेसन से, ये सब कंस्ट्रक्शन फील्ड से, जो कंस्ट्रक्शन सिविल एंड MEP पे डिपेंड कर, अगर रिलेटेड है आपकी जॉब, तो वहाँ पे चांसेस है, क्योंकि अभी सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर या MEP सेक्टर धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। एंड कंपनीज भी, आपको भी पता है, कंपनीज इंडिया से हायर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आपकी जॉब, आपकी फील्ड उस रिलेटेड है, तो आपके वहाँ पे चांसेस, बहुत चांसेस है वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आपकी चांसेस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, तो अभी क्या है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट्स, बार्स, ये सब धीरे धीरे अभी खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, इतने ग्रो अप नहीं हुआ है, बिकॉज टूरिस्ट के ऊपर अभी भी रेस्ट्रिक्शन है कोविड के वजह से। अब गैदरिंग नहीं हो सकते हैं, आप पार्टी नहीं कर सकते हैं, आप मतलब ग्रुप में नहीं घूम सकते, तो ये सब दुबई में अभी स्ट्रिक्ट है। तो अभी क्या है, होटल, इतना होटल सेक्टर या हॉस्पिटलिटी सेक्टर इतना ओपन नहीं हुआ है जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं कि होटल में वेटर्स वगैरह, ये सब रिक्वायरमेंट निकल रहा है। तो ये सब अभी आप इस फील्ड में है, तो वहाँ पे जाके जॉब मिलना आपको बहुत अभी चांसेस कम है, बिकॉज अभी सेक्टर्स ओपन नहीं है, सब लॉस में, सब इंडस्ट्री चल रहा है अभी। तो वहाँ पे जाके जॉब मिलना इस सेक्टर में बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करते हैं मेडिकल लाइन पे, अगर आप बात करते हैं कोई हॉस्पिटल सेक्टर पे, हॉस्पिटल्स मीन्स आप मेडिकल स्टाफ है, आप नर्स है, आप डॉक्टर है, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो आप चांसेस है वहाँ पे जॉब मिल जाएगा, क्योंकि अभी डेफिनेटली अभी एक इस टाइम पे हॉस्पिटल सब पैक्ड है, तो ऑक्यूपेंसी हाई है हॉस्पिटल्स में, बेड्स वगैरह सब हाई ऑक्यूपेंसी में चल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टाफ चाहिए, उनको स्टाफ रिक्वायर्ड वो कर भी रहे हैं। एंड दूसरा जो फैक्ट है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वहाँ पे विजिट में जाना चाहते हैं, तो पहले चीज़ देखिए, आप उस काम पे एक्सपीरियंस है नहीं, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं वो काम पे, क्योंकि अभी जो मार्केट है दोस्तों, जॉब मार्केट दुबई में अभी मार्केट पूरा सैचुरेटेड हो चुका है। अगर आप फ्रेशर हैं वहाँ पे, अगर अभी के टाइम पे जाके वहाँ पे जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो काफ़ी टफ है आपके लिए, मिलना बहुत ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है वहाँ पे। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है आपकी फील्ड में, आप काम कर चुके हैं, आपको तजुर्बा है, 2 साल 3 साल 4 साल का तजुर्बा है, चाहे वो इंडिया में हो या किसी दूसरे कंट्रीज में हो, तो आपको चांसेस है, बहुत चांसेस है वहाँ पे जॉब मिलने के लिए। अगर फ्रेशर है आप सोच रहे हैं, तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप थोड़ा देर और इंतज़ार कर लीजिए। अगले 6-7 महीना तो ऑलरेडी हो गया है, और 1-2 महीना ही सही, न्यू ईयर कंप्लीट होने दीजिए, न्यू ईयर के बाद वहाँ पे जाइए, शायद कुछ मार्केट्स ओपन हो जाए, जैसे कि ताकि आपको वहाँ पे जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाए। अभी जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी सारे भाई पूछते हैं कि सर अभी दुबई में विजिट वीज़ा एम्प्लॉयमेंट को कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं है। अगर हम विजिट में जाएंगे, वहाँ पे हमें जॉब मिलता है, क्या वीज़ा एम्प्लॉयमेंट को कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, यस, दुबई में विजिट वीज़ा जो है वो एम्प्लॉयमेंट को कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर और आपके ऊपर। अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रहा है, सिलेक्शन करके आपको वहाँ पे विजिट में लेके जाके कन्वर्ट करवाना चाहता है, तो ये 100% गारंटी है वो हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ किसी कारण, तो कंपनी क्या करेगी, आपको विजिट वीज़ा को, और अगर 3 महीने का वीज़ा है इसके अंदर तो आराम से हो जाएगा, अगर फिर भी किसी कारण के वजह से रुक गया, तो कंपनी क्या करेगी, आपको 3 मंथ्स जो विजिट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है उसको रेनुअल कर देगी, रेनुअल करके फिर वो एम्प्लॉयमेंट को कन्वर्ट कराएगी। तो दोस्तों यही था कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना मैं जरूरी समझा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं कुछ नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।